प्रदेश जनपद बलिया में नगरपालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी सुनील सर्राफ ने डोर टू डोर घूमकर जनसंपर्क किया। साथ ही उन्होंने बताया कि बलिया नगरपालिका की स्थिति बहुत ही खराब है, आप जहां देख लीजिए कूड़े का अंबार लगा हुआ है और नालियां बज बजा रही हैं। इस स्थिति में जनता में संक्रमक रोग फैलने का भय बना हुआ है। सुनील सर्राफ, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय शोधकार संघ और वरिष्ठ व्यापारी नेता। जी, हम जानना चाहते हैं, नगर पंचायत का, नगर निगम का चुनाव आने वाले हैं, नगर निकाय में, नगर पालिका में क्या चुनाव मैदान में आप उतरने के सुनने में आप उतर रहे हैं, जनता भी आपको लाइक कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी से मैंने अपना आवेदन किया हुआ है यहाँ बलिया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु, और समाजवादी पार्टी अगर हमको चुनाव लड़ाती है तो निश्चित रूप से पूरी दमदारी के साथ यह चुनाव लड़ा जाएगा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जनता के पसंद नापसंद का, तो निश्चित रूप से जनता चाह रही है कि कोई नया चेहरा आए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से ही नहीं बल्कि पिछले 25 वर्षों से आप देखेंगे तो बलिया की स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी ख़राब है। चाहे आप सड़कों को लें, नाली को लें, तमाम चीज़ों पे जो है कि जनता नाराज चल रही है। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से अगर नए लोग आएंगे तो नए तरीके से काम करेंगे और बलिया नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का काम। जी, अभी तक आप देखे हैं अन्य नगर पंचायत चाहे नगर निगम नगर पालिकाओं में जाते होंगे आप, तो इसकी तुलना बहुत ही उस हिसाब से नहीं की जाती जो आप समझ रहे हैं, बहुत ही बेकार की तुलना की जाती है। और जब भी बारिश होता है पानी से भी पूरी तरह ये जैसे लगता है जैसे डूब गया पूरा नगर पालिका, तो तमाम समस्याएं हैं, हर वार्डों में सड़कें खराब है, इस पर आप कहाँ तक पहल करेंगे? जनता करे, लोग वादा करते हैं फिर वही दशा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि कोई कंक्रीट प्लान जो है वो बना के कभी भी नगर पालिका परिषद में काम नहीं किया गया। यहाँ पे जो काम हुआ है ऑलरेडी उसी पे लोग काम करके और पैसा लूटने का काम करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बलिया की तमाम नगर की सड़कें अच्छी पोजिशन में थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम मुख्यमंत्री जी ले आए कि भाई गड्ढा मुक्त सड़क हमें चाहिए। उन सारे अच्छी सड़कों पे ही लेपन का कार्य करके उनको पूरा ठीक करके और उस पर केवल पैसा लूटने का काम किया। एक कंक्रीट प्लान जो होना चाहिए किसी के पास, वो प्लान से कभी इन्होंने काम नहीं किया कि हमारी अगर सड़कें बन रही हैं तो बगल में नाली को कैसे हम बनाएंगे, उसकी व्यवस्था पानी निकलने की कैसे हम देंगे, उस पर कभी इन्होंने किसी इंजीनियर से प्लान करके, किसी आर्किटेक्ट से प्लान करके इन्होंने इन चीज़ों को कभी नहीं बनाया। आने वाले समय में अगर बलिया की जनता मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से आर्किटेक्ट और इंजीनियर के द्वारा पूरी प्लानिंग के साथ नगर का एक चार्ट बना के कि कैसे क्या बनना चाहिए और उस तरह से नए